नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिकी अरोड़ा। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि मैं आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो पे आया हूँ, वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या बोलते हैं, कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं बिजी था और आउट ऑफ स्टेशन भी गया, तो मैं वीडियो नहीं कर पाया बीच में। तो मैंने बोला चलो आज आए तो मैंने बोला पहले एक वीडियो बनाते हैं, और मैंने बोला आज एक बार थोड़ी सी नॉलेज जो है थोड़ी सी और शेयर कर दे आपके साथ। तो आज की वीडियो भी जो है वो आज के मेरे जो नए भाई बहन जो है जो इस मार्केट में उतरना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मैं एक ज़्यादा ग्रीडी ना हो, जो ये चाहते हो कि एक मैं डिसेंट प्रॉफिट लेके मैं इस मार्केट से अपना साइड हो जाऊँ, मतलब जो इंट्राडे भी करना चाहता है, व्हाटएवर जो भी काम करना चाहता है। वैसे तो मैं कभी ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता मैं इंट्राडे के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्विंग ट्रेड करो, इंट्राडे से मच बेटर है। हाँ, मगर एक चीज़ है कि आप इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको हमेशा बुक करके घर जाए, क्योंकि ये मार्केट आपको एवरी डे आपको जो है एक नया एक्सपीरियंस भी देती है और आपको डे बाय डे आपको एवरी डे आपको मौका देती है मार्केट के पैसा कमाने के लिए। सो गाइस, मेरा आज का मेन रीजन यही था। मैंने बोला चलो आज मैं दो तीन, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी जिनमें मेरे को ये बताया था कि आप प्लीज आप मुझे ये बताइए कि इस मार्केट में अगर मैं एक 500,000 रुपया अगर मैं कमाना चाहूँ तो वो क्या बहुत बड़ी बात है या इजीली मिल जाता है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो ये मार्केट है, अगर आप इसको एज अ बिजनेस, जैसे आपने मेरी पिछली सीरीज, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई इस नया है मेरी वीडियो के अंदर, सो प्लीज़ मैंने फाइनेंशियल्स के ऊपर 9 वीडियोस बनाई है। आप एक बार वो सारी वीडियोस टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है। जी हाँ, क्योंकि मैं 10 साल से जो इस मार्केट में उतार चढ़ाव देख रहा हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ रूबरू कर रहा हूँ। सो, मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो मेरे पास दो रिक्वेस्ट आई थी, दो और तीन, कि इस मार्केट में क्या इजी है कि अगर हम जॉब करते हैं कि भैया पूरा दिन हम वो करते हैं, और अगर हम हमारा कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि हम भैया 500,000 रुपया यहाँ से कमा सके एक अमाउंट लगा के, नॉमिनल अमाउंट लगा के। तो गाइज, मैं पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया कि आप पहला काम ये कीजिए कि अगर आप 2-2.5 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में काम करते हैं तो आप ट्रेडिंग कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख के बीच में, और इन्वेस्टमेंट कीजिए कम से कम मैक्सिमम, मतलब 1.5-2 लाख में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास 2-3 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप, मेरी राय यही है कि आप स्विंग ट्रेड कीजिए और ट्रेडिंग जो है आप लिमिटेड कीजिए और इन्वेस्टमेंट आप उसमें मैक्सिमम कीजिए। और पहले जैसे वीडियोस में आपको बताया है कि वही आप काम कीजिएगा कि पहले भैया जो भी आप कमाओ उसका एटलीस्ट कम से कम 40% तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, जितना भी आप कमाएं। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 40 रुपये इन्वेस्ट करना सीखिए, ठीक है ना। तो हाँ, तो मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं हो गया तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। इस मार्केट के अंदर जो भी नया है, जो भी भाई नया है या ऑलरेडी काम कर रहा है, वो पहली बात क्या कीजिए, आप बेस्ट स्टॉक्स देखिए, 2-3-4, ज़्यादा नहीं कहता मैं, आप इतने स्टॉक्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करो सिर्फ 4 और 5 स्टॉक के ऊपर, आप उनके ऊपर एक कहते हैं ना कि आप PhD कर लो, ठीक है ना, बस वो वाला सीन कीजिए। कोई स्टॉक देखिए, उसकी आप मूवमेंट को देखिए, उसकी जो मूवमेंट है उसका जो नेचर है वो अपने मन में बसा लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक इधर तक जा सकता है और ये स्टॉक इधर तक ये नीचे आ सकता है। हाँ, तो आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि 3-4 स्टॉक निफ्टी 50 के जो जिसमें मूवमेंट है, जी हाँ जिसमें मूवमेंट है, ऐसे स्टॉक आप पता कीजिए और उसको देखिए। उसके बाद आप उस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कीजिए डे और
स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो आपको पहली बात तो इतना फंसाएगा नहीं। सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और एसएल के बिना करते हैं तो मैं तो भी एक बात आपको बोलूंगा कि भाई आप अगर नहीं है तो पहले तो भाई आप एसएल में काम कीजिए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो फिर तो भैया आपको भी नॉलेज होगी उस टाइप की कि भैया आप कैसे काम करना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले आप पहले 3-4 स्टॉक कीजिए। और हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा कोई एडवाइजरी फर्म नहीं है, मैं आपसे जस्ट और जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो नए लोग आते हैं इस मार्केट में, पता नहीं किस तरह से वो इस मार्केट में उतरते हैं और उसके बावजूद उनको अगर लॉस मिलता है तो मेरा फर्ज ये है कि एटलीस्ट जो मैंने अपने टाइम के अंदर लॉसेस देखे हैं या आप पड़ाव देखे हैं जो भी इस मार्केट के, वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। सो प्लीज़ मैं आपसे अभी भी यही बात कहूंगा कि आप कोई भी काम कीजिए अपनी सोच समझ से कीजिए, वीडियोस को देख के आप बिल्कुल भी इतना वो मत कीजिएगा रिएक्ट। हाँ, पहले आप समझिए, अगर उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं कहता हूँ यूट्यूब्स के ऊपर बहुत सारे एजुकेशनल कोर्सेज है इसी से रिलेटेड, आप उधर जाके आप वो कीजिए, आप पहले पैसा बर्बाद मत कीजिए इधर उधर जाके, क्योंकि पहली इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कीजिए। जिस दिन आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस मार्केट के अंदर, आप सक्सेस हो जाएंगे, ये मेरी आपसे श्योरिटी है। तो गाइज मैं आपको यही बता रहा था कि आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि भाई पहले आप 5 स्टॉक देखिए, उस 5 स्टॉक के आप मूवमेंट को, उसके नेचर को आप अपने मन में बसाइए। आपको पता होना चाहिए ये स्टॉक किसका है, उसका फंडामेंटल्स देखिए, सब कुछ देखिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आप काम कीजिए अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको ये स्टॉक जो है इतना फंसाएंगे नहीं, ये मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ये आपको इतना नहीं फंसाएंगे और ये आपको जल्दी ही आपको बाहर भी निकाल देंगे अगर इफ इन केस अगर मार्केट आपके फेवर की नहीं चल रही है तो, ठीक है। सो गाइस आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया इस मार्केट में 500,000 रुपया कमाना कितना आसान है, ठीक है। और 500,000 रुपया अगर आप कमाते हो यार, अगर एक बात बोलूं, 500,000 रुपया एक सफिशियंट अमाउंट होता है, एक नॉर्मल फैमिली मेंबर्स के लिए एक सफिशियंट अमाउंट है आज के डेट में भी 500,000 रुपया। मेरा भी यही फंडा है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट तो अलग करता हूँ मगर एक रोज के खर्चे के लिए मैंने एक अपनी एक लिमिट बांध रखी है कि भाई मुझे 500,000 2,000 जो भी मिलता है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे आज वही बात शेयर कर रहा हूँ। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इजिली मैं 500,000 रुपया 2-3-4 घंटे के अंदर इजिली कमा लेता हूँ, जिसमें मेरे को ज्यादा बर्डन नहीं होता, ठीक है। और अगर बाय चांस जिस दिन अगर कोई काम नहीं होता तो मुझे ये पता होता है आज नहीं तो कल वो स्टॉक मेरे को फिर दोबारा मेरे को पैसा दे जाएगा। तो आओ चलते हैं सर, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कैसे आप बहुत ही इजी से आप 500,000 रुपया इस मार्केट से अर्न कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, ये है मेरा एक दिन पहले का पोर्टफोलियो जिसमें मैंने एक बहुत ही डिसेंट सा प्रॉफिट जो है करा है। तो मैं आपको इसी टाइप के एक छोटे छोटे आपको मैं प्रॉफिट्स आपको दिखाता हूँ, जैसे इस प्रॉफिट से आप इजीली, बहुत ही इजीली आप ऐसे प्रॉफिट्स इस मार्केट से अर्न कर सकते हैं अगर आप इस मार्केट में ग्रीडी नहीं हैं। और मैं आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ अगला वीडियोस जो मेरी आज की ट्रेडिंग हुई है। सो ऐसे छोटे छोटे पोर्टफोलियोज, ऐसे छोटे छोटे ट्रेडिंग आपको एक अच्छे स्केल्स पे आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो आप अगर लालची इस मार्केट में नहीं बनके काम करते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट जो है आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियोस पे। जी हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप देख रहे होंगे ये चार्ट आपको अगर क्लियर दिख रहा हो, ये चार्ट है जुबिलेंट फूड का और ये चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है। तो आप देखिए, आज जैसे आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, आप अगर कोई नए हैं तो ज्यादा खिचड़ पिचड़ मत कीजिए। आप ये जो है चार मेरे कहने पे, मेरे वाले ही जो मेरे लगा रखे है इंडिकेटर्स, आप ये 2-3 इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ
करेक्शन और आपको कुछ बेनिफिट चाहिए मेरी, आपने अगर पिछली वीडियो इंडिकेटर वाली नहीं देखी है तो प्लीज एक बार वो इंडिकेटर वाली वीडियो देखना, उसमें आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा कि आप बोलेंगे कि भैया ये सबसे बेटर है हमारे लिए। तो देखिए ये ऐसे मैं चार्ट में काम करता हूँ सिंपल से, ठीक है ना। अपना डे चार्ट 5 मिनट का ही, जैसे इंट्रा डे अगर मेरे को अगर ट्रेडिंग करनी होती है तो मैं ये देखिए मैं 5 मिनट की कैंडल के अंदर ऐसे ही काम करता हूँ। अब ये देखिए मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है। आपने कुछ नहीं, आपने सिंपल सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने जब भी सुबह आप देखेंगे तो आप निफ्टी पे आइए। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट है। ये देखिए ये 29 तारीख, ये देखिए ये 29 तारीख की कैंडल है। आप ये देख रहे हैं कि आज मार्केट जो थी आज ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट थी। आप ये देखिए, देख रहे हैं आप, एक ही रेंज के अंदर ये मार्केट चली है सुबह 9:15 बजे से लेके। ये मार्केट लगभग आप ये देखिए लगभग ये आपकी 3 बजे तक ये मार्केट जो है रेंज बाउंड ही रही है। आप ये देखो आपके सामने ये देखो। तो सबसे पहले तो आपने यही देखना है सुबह उठते ही जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं कि भाई हाँ भाई आपकी निफ्टी जो है आपको क्या रिजल्ट दे रही है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैं आ गया अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप ये देखिए ये मैंने पोजीशंस थी मेरी, एक ये मेरी कल की पोजीशन थी, देखो बहुत छोटी छोटी पोजीशंस है। देखो ट्रेडिंग ऐसे करो, इन्वेस्टमेंट आप जितनी मर्जी करो मगर ट्रेडिंग आप छोटे छोटे स्केल्स पे आप ट्रेडिंग करो, ऐसे काम करो छोटा छोटा। देखो देख रहे हो ज्यादा बड़ा नहीं है, 27 है, जुबिलेंट फूड है, ICICI बैंक देखो 85 है ना। तो ऐसे काम करो पर डे के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है सर आपको। देखिए ये देखो ये मेरा आज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये देखो 1583 रुपये, इसके अंदर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी अगर क्या बोलते हैं अगर वो भी जाती है मेरी ड्यूटी तो मेरे ख्याल से मेरे को लगभग मेरे को 1250-1300 रुपये का मेरे को जो है इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आप ये देखो ये प्रॉफिट है सिंपल सा, इसमें ज़्यादा देर नहीं, बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे 4 स्टॉक्स में, अब मैं तो भैया ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स में ही काम करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक जो है कैसे है। आप ऐसे ही काम कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आओ आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि देखो अब जैसे सपोज जैसे आज ये ICICI बैंक का मैंने चार्ट ले लिया। अब आप ये देख रहे हो कि ICICI बैंक आज ये 29 तारीख को ये देखो ये ICICI बैंक खुला, ठीक है। ये मैंने पिवट पॉइंट्स लगा रखे, ये देख रहे हो ये पिवट है, ये R1 R2 ये है, उसके बाद ये अगर हम ये देख रहे हो ये पिवट है इसका, ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत इजी हो जाती है आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बहुत इजीली मिल जाता है। आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको पिवट के ऊपर एक पूरी वीडियो बना के दिखा दूंगा, अगर किसी को पिवट की अगर जानकारी चाहिए तो पिवट बहुत इजी है। और नीचे देखो RSI, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर इसका पूरा आपको बताया था कि सिर्फ इस इंडिकेटर की वजह से मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग कर लेता हूँ। ये देखो सिर्फ इसी इंडिकेटर की वजह से, आप मेरी पिछली वीडियो देखना, इस वीडियो के अंदर आप पिछली वीडियो में देखें कि RSI के अंदर मैं इंडिकेटर में कैसे काम करता हूँ तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत इजी ट्रिक्स है, ठीक है ना। आप ऐसे ही क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ भी अगर आप नए हैं, आप नॉलेज में अगर आपको नहीं है, मैं कहता हूँ आप एक पिवट पॉइंट लगाइए, ठीक है ना। पिवट पॉइंट लगाइए, आप ये मूविंग एवरेज लगा लीजिए जिसमें आप अगर डे का भी करते हो तो आप 20 मिनट की और ये वो सॉरी 20 MA और 100 MA की आप वो कर दीजिए, 50 MA की कर दीजिए, बस वो क्रॉसिंग के ऊपर आप वो कीजिए। और अगर आपको इसमें भी ज्यादा कोई डाउट है तो आप सबसे पहला आप काम इनमें कीजिए। आप देखिए ये जो पिवट्स है, इन पिवट्स पे आके हमेशा जो है स्टॉक जो है एक बार आपको जो है रिवर्सल आपको सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए आपको बेनिफिट है कि आप कोशिश कीजिए, आप इस तरीके से आप ट्रेडिंग कीजिए, बहुत ईजी है सिंपल। आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भाई सबसे पहली बात, इस मार्केट में ग्रीडी मत हो। आपको एक सफिशियंट प्रॉफिट अगर पर डे में मिल जाता है, देखो ये बहुत छोटा सा प्रॉफिट है वैसे, मगर ये है कि भाई ये मेरे रोज के खर्चे के लिए प्रॉफिट है। तो मैं आपसे यही बात बताना चाहूंगा कि भाई ऐसे छोटे छोटे जो खर्चे हैं ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हो मार्केट में, मैक्सिमम लाख रुपया लगा के। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताऊंगा कि काम हमेशा कैश मार्केट में करना और किसी भी सेगमेंट में काम मत करना। कैश मार्केट के अंदर आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, बस मैं आपसे यही बात बताना चाहूंगा। और हाँ, कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आप मुझे बताना कि भाई
भैया आप मुझे प्लीज ये बताइए कि ये ट्रेडिंग मैं कैसे करूं, किस लेवल से करूं। जरूर आप मेरे नंबर पे आप क्या बोलते बात कर सकते हैं, आप मुझे SMS कीजिए, आप मुझे सॉरी क्या बोलते कमेंट्स कीजिए, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा आपको। आप एनी टाइम आप मेरे से जो है WhatsApp पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की आपको नॉलेज चाहिए या कोई आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमेशा ये कीजिए। मगर आपको नए यूजर्स को मैं हमेशा एक ही बात बताना चाहूंगा कि नया यूजर जो भी है वो प्लीज और प्लीज आप काम जो कीजिएगा वो सिर्फ निफ्टी 50 के और कैश में आप काम कीजिए, कोई FNO में आप काम मत कीजिए जिससे आपका पैसा जो है डूबने का ज्यादा चांसेस हो जाए। कैश सेगमेंट के अंदर काम कीजिए, कैश सेगमेंट के अंदर आप कभी भी मार्केट के अंदर लॉस नहीं करेंगे, बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है। आप रोज आइए, अपना भैया एक सपोर्ट लीजिए, आप देखिए इन स्टॉक्स के अंदर रोज की 10-12 रुपए की मूवमेंट होती है। जब आपको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर है, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया ना, ये जो RSI वाला जो वो है, इससे पहले वाली वीडियो आप मेरी जरूर देख लेना। जिस दिन आप वाली मेरी वीडियो देख लेंगे आपका ट्रेडिंग करने का तजुर्बा बहुत ही इजी हो जाएगा और वेल हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत इजी तरीके से आप 500-2000 रुपया आप इस मार्केट से अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के, संकोच के। सो गाइस, आपको अगर कोई और आपको अगर कुछ पूछना है मेरे से इस मार्केट से रिलेटेड, सो प्लीज एनी टाइम आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप ये बताइए कि भाई एक बार इस भाई की भी वीडियोस देखिए। मैं बिल्कुल भी गुमराह नहीं करता, बहुत आपको सटीक टू सटीक आपको बात बताऊंगा जिसमें आपका कभी लॉस ना हो। और मेरी आपसे यही वो है कि ट्रेडिंग करने से बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए। आपकी आज की इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-12 सालों के अंदर आपको मल्टीबैगर बना सकती है, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और आपसे डैम श्योर मैं आने वाले 2-5 साल के बाद अपने पोर्टफोलियोज बढ़िया लेवल के शेयर करूंगा, जिसमें आपको एहसास हो जाएगा कि मिक्की भैया ने ये बात बिल्कुल सही बोली थी कि भैया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट है और शॉर्ट टर्म में कितना बेनिफिट है। सो गाइस, आज के लिए थैंक्स अ लॉट। अगर किसी भी चीज की आपको अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।